हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज मैं दही वाली अरबी बनाऊंगी। और अरबी मैंने आधी किलो ले ली है, इन्हें धो के छील के एक सीटी लगवा ली है। बस बस खड़ी खड़ी रखी है ये मैंने। और इसको हम ऐसे मोटे मोटे टुकड़े कर लेंगे। अगर आपके पास ये वाला साइज है तो सिर्फ दो कर सकते हैं और इसे साबुत भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने हरी मिर्च ले ली है, तीन मोटी मोटी काट ली हैं, और थोड़ा सा धनिया ले लिया है, 1 इंच अदरक ले लिया, ये भी मोटा मोटा काट लिया है, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 छोटी कटोरी दही है, और इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। ये मैं खाने के लिए ही बना रही हूँ, व्रत के लिए अगर आप बनाएंगे तो ये गरम मसाला वगैरह ना डालें, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी से भी बना सकते हैं इसे। दोस्तों रिफाइंड मैंने गरम करने रख दिया है। अगर आप व्रत के लिए बनाएंगे तो इसे सरसों के तेल या रिफाइंड में ना बनाएं, देसी घी में बनाएं, या मूंगफली का तेल है उसमें बना सकते हो। ये मैंने गोल गोल मोटे मोटे काट लिए हैं, इन्हें हम फ्राई करेंगे पहले। दोस्तों ये हरी मिर्च और अदरक धनिया को हम एक साथ ही पीस लेंगे। आप काट के भी बना सकते हो इसे, अदरक मुंह में ना आए, मिर्च मुंह में ना आए, तो इसलिए हम पीस रहे हैं। इसका पेस्ट बना लेंगे। ये मिर्च पीस लिया हमने अदरक डाल के। अरबी में सिर्फ हम हल्का सा कलर आने देंगे, फ्राई कर लेंगे इसे। गैस तेज है मेरी, अरबी में कलर आ गया ही नहीं, हम निकाल लेते हैं। दोस्तों 2 बड़े चम्मच तेल मैंने इसमें छोड़ दिया है, 1 चम्मच इसमें मैं अजवाइन डाल लूँगी, चटकने देंगे इसे। अजवाइन लाल हो गई है, अब ये हरी मिर्च, धनिया और अदरक इसमें डाल के इसे भून लेते हैं थोड़ी देर, जो इसका कच्चापन निकल जाए बस। मसाले डाल लेते हैं इसमें, नमक मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। आपके पास धनिया पाउडर है तो वो भी डाल सकते हो, काली मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आप थोड़ा पानी दही में भी मिला सकते हो। ये मैंने दही फेंट के लिया 1 कटोरी, इसमें डाल लेंगे, थोड़ा पकने देंगे दही को। इसमें आप पानी भी डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा पतला करना है तो, एक उबाला आने देंगे, चलाते रहेंगे नहीं तो दही फट जाएगा। उबाला आ गया है, इसमें अब अरबी डाल लूंगी मैं। दो मिनट के लिए उबाल लेंगे इसे, अच्छे से थोड़ा सुखा लेंगे ग्रेवी को। अगर आप ऐसे ही ग्रेवी रखना चाहते हो तो एक उबाल आने के बाद बंद कर दो इसे। गैस को बंद कर लेते हैं, दही अरबी तैयार है।